नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एलमॉक्स 250 कैप्सूल के बारे में। दोस्तों, एलमॉक्स 250 कैप्सूल को डॉक्टर के द्वारा कौन कौन सी बीमारी में दिया जाता है, इसके इस्तेमाल करने का क्या सही तरीका है, कौन कौन से इंग्रेडिएंट एलमॉक्स 250 के अंदर इस्तेमाल किए गए हैं, इसके इस्तेमाल करने से कौन कौन से साइड इफ़ेक्ट देखने को मिल सकते हैं और कितनी मात्रा में एलमॉक्स 250 कैप्सूल को डॉक्टर के द्वारा इस्तेमाल करने की सलाह दी जाती है। दोस्तों, एलमॉक्स 250 कैप्सूल की बात करें तो इसको एल्केम फार्मास्यूटिकल कंपनी द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है। दोस्तों, प्राइस की बात करें तो 24 रुपीज़ में ये 10 कैप्सूल का पूरा एक स्टेप आता है। इंग्रेडिएंट की बात करें तो इसके अंदर अमोक्सिसिलिन 250 mg इंडियन फार्माकोपिया के अकॉर्डिंग इसके अंदर इस्तेमाल किया गया है। दोस्तों, यह एक एंटीबायोटिक मेडिसिन है। इसका जो मेनली जो इस्तेमाल करने की सलाह दी जाती है डॉक्टर के द्वारा, दोस्तों यदि किसी को सर्दी, जुकाम, खांसी, नज़ला, बहती नाक के रूप में इसका बहुत अच्छा इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों, उसके साथ साथ यदि आपको बुखार है तो बुखार में भी इस कैप्सूल को डॉक्टर के द्वारा दिया जाता है। उसके साथ साथ दोस्तों, यदि किसी को निमोनिया हो जाता है तो निमोनिया की कंडीशन में भी इसको दिया जाता है। यदि किसी को रेस्पायरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो जाता है, यदि आपके गले में सूजन हो जाता है, यदि आपके गले में इन्फेक्शन हो जाता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है, तो उसको दूर करने के लिए भी इस एलमॉक्स 250 को डॉक्टर के द्वारा दिया जाता है। दोस्तों, इसकी डोजेस की बात करें तो एक एडल्ट व्यक्ति को एलमॉक्स 250 कैप्सूल को डॉक्टर के द्वारा दिन में 3 बार दिया जा सकता है, सुबह, दोपहर और शाम। दोस्तों, यदि आप इस एलमॉक्स 250 कैप्सूल का इस्तेमाल करते हैं तो अपने डॉक्टर के एडवाइस पर ही इस्तेमाल करें, खुद से बिल्कुल इस्तेमाल ना करें, क्योंकि दोस्तों ये एक एंटीबायोटिक मेडिसिन है। किसी भी एंटीबायोटिक मेडिसिन का अननेसेसरी इस्तेमाल काफ़ी ज़्यादा हार्मफुल रहता है। दोस्तों, इसके इस्तेमाल करने से कुछ कॉमन से साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं। आपके वॉमिटिंग हो सकती है, पेट में गैस हो सकती है, सिर दर्द हो सकता है, पेट में कब्ज हो सकती है, ये इसके कॉमन से साइड इफ़ेक्ट हैं जो इस्तेमाल करने से किसी किसी पेशेंट में देखने को मिल सकते हैं। दोस्तों, दवाई से जुड़ी छोटी मगर महत्वपूर्ण जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि हमारी आने वाली अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद दोस्तों।